नमस्कार, मेरा नाम है कपिल परमार और आप देख रहे हैं द वीडियो वाइम शो। आज हम बात करेंगे दो प्रधानमंत्रियों की। एक प्रधानमंत्री जिन्होंने आर्टिकल 370 लगा के जम्मू कश्मीर को अलग झंडा, अलग संविधान दिया, और एक प्रधानमंत्री जिन्होंने आर्टिकल 370 को निरस्त करके भारत को एक किया। 19 सितंबर 1947 पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर हमला करने से लगभग एक डेढ़ महीना पहले मेहरचंद महाजन, जो उस समय जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, वो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास आए और उन्होंने महाराजा हरि सिंह का संदेशा नेहरू जी को दिया कि वो कश्मीर का विलय भारत में करना चाहते हैं। लेकिन नेहरू अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला, जो उस समय महाराजा हरि सिंह की जेल में थे, उनको रिहा करवाना चाहते थे। 27 सितंबर 1947 को नेहरू जी ने सरदार पटेल जी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें ये साफ था कि नेहरू जी को जानकारी थी कि पाकिस्तान कश्मीर पे हमला कर सकता है, लेकिन फिर भी नेहरू जी शेख अब्दुल्ला की रिहाई पर अड़े रहे। अगर उस समय जवाहरलाल नेहरू अपने दोस्त को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में देर नहीं करते तो आज पीओके नहीं होता, पूरे कश्मीर पे भारत का कंट्रोल होता, साथ में लाखों सैनिक शहीद नहीं होते, लाखों लोगों की जान नहीं जाती। जिस दोस्त के लिए नेहरू जी ने इतना कुछ किया, 1950 आते आते उन शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को एक नया देश बनाने की बातें शुरू कर दी। नेहरू उस समय खुद ब्रिटेन में थे, इसलिए अपने विश्वास पात्र गोपाला स्वामी अय्यंगर के जरिए उन्होंने आर्टिकल 370, जो उस समय आर्टिकल 306A था, का प्रस्ताव कांग्रेस नेताओं के सामने रखा, जिसे बाद में मान लिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग झंडा और अलग संविधान मिला। लगभग 70 सालों बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों सदनों ने 6 अगस्त 2019 को पास कर दिया। भारत को आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन भारत एक हुआ 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के कारण। आर्टिकल 370 और 35A निरस्त होने के बाद आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और विकास की नई नदियां बह रही हैं। ये थी कहानी दो प्रधानमंत्रियों की, एक जिसने भारत को तोड़ा और एक जिसने भारत को जोड़ा। नमस्कार।